So this is the hairline. In the scalp acupuncture, when we are making the protocol, so number one, we are taking the points as per symptoms. तो जब भी हम स्कैल्प एक्यूपंक्चर करते हैं और प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं, अगर आपका प्रोटोकॉल अधूरा होगा तो रिजल्ट आपको परमानेंट नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे कि यार किया तो अच्छा हुआ और बाद में वापस हो गया। तो जब भी हम प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं तो उसमें तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट एज पर सिम्टम कि बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, दर्द है क्या, कहां दर्द है, सिर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहां दर्द है। सो द फर्स्ट पॉइंट वी टेक एज पर सिम्टम्स। पहला बिंदु हम लेते हैं सिम्टम्स के आधार पर। किसी ने बोला सिर में दर्द है तो सिर दर्द का एक पॉइंट ले लिया, किसी ने बोला गर्दन में दर्द है तो गर्दन दर्द के एक दो पॉइंट ले लिए। तो जिसने जो बोला उसके आधार पर एक पॉइंट लेते हैं और इसको हम कहते हैं बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट्स, सो द फर्स्ट पॉइंट वी टेक एज पर द सिम्टम्स, बिकॉज पेशेंट इज कमिंग टू अस एंड टेलिंग डॉक्टर आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, आई एम हैविंग दैट प्रॉब्लम, आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, आई एम हैविंग नेक पेन, आई एम हैविंग गैस, एब्डोमिनल पेन, वट एवर द प्रॉब्लम, हैविंग paralysis, facial paralysis, full body paralysis, whatever the problem, first point we take as per symptom. But it is not complete. Second point, with the help of second point, we are correcting each and every meridian. So the second point we are taking to rectify if any meridian is blocked or having some problem. Because patient will not tell you, the doctor kindly treat my gallbladder meridian, doctor kindly treat my liver meridian. This is our duty to find out which meridian is affected. So the hum dusra bindu lete hain aur hum dekhte hain ki iske sharir mein kahin koi meridian atka to nahi hai, kisi ka energy flow ruka to nahi, क्या एनर्जी ठीक से फ्लो कर रही है। तो इस सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं डीपर लेवल ट्रीटमेंट, इसे हम कहते हैं डीपर लेवल का ट्रीटमेंट, बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द डीपर लेवल। सो फॉर द फर्स्ट लेवल we are having basic points. These just on the symptoms. But second is on the meridian, little deeper level. We can tell deeper level. And this label is called epsilon.
इप्सिलॉन पॉइंट्स। इप्सिलॉन मींस समथिंग लाइक ए काउंटिंग, काउंटिंग लाइक वी आर टेलिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दीज आर काउंटिंग। सो द मीनिंग ऑफ इप्सिलॉन इज काउंटिंग। सो हियर वी आर रेक्टिफाइंग इफ एनी ब्लॉकेज एनीवेयर इन द मेरिडियन, लाइक इन द गॉलब्लैडर, इन द लिवर, इन द stomach, in the spleen, in the kidney, in the UV. So we are taking one point. Still our protocol is not complete. And this point we have to select after diagnosis. तो जो दूसरे लेवल का जो ट्रीटमेंट होता है जिसे मेरिडियन लेवल का ट्रीटमेंट कहते हैं या एप्सिलॉन ट्रीटमेंट कहते हैं, ये ट्रीटमेंट के लिए हमें पहले ढूंढना पड़ता है कि क्या गड़बड़ है। अब इसको ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू टू फाइंड आउट दिस, वी डू डायग्नोसिस। सो नंबर वन, we do neck diagnosis, neck diagnosis. The meaning of neck diagnosis, we are touching some area of the neck to find out which meridian is affected. Out of 12, gallbladder, liver, stomach, spleen, pericardium, heart, urinary bladder, kidney, lung, which meridian is affected? We are searching in the neck. That is called neck diagnosis. तो कौन सा मेरिडियन गड़बड़ है, पेशेंट को बोलते हैं भाई अब तू शांत बैठ जा, अब कुछ ना बोल। फिर हम गर्दन के माध्यम से ये पता करते हैं कि आखिरकार इसके शरीर का कौन सा मेरिडियन गड़बड़ है, और सिर्फ गर्दन के माध्यम से पता कर लेते हैं, बाकी कुछ भी टच नहीं करना पड़ता। और सेकेंड डायग्नोसिस वी डू एब्डोमिनल डायग्नोसिस। इन द एब्डोमिनल डायग्नोसिस वी आर जस्ट पाल्पिटिंग द एरिया ऑफ एब्डोमिन टू फाइंड आउट विच मेरिडियन is disturbed, and just by doing abdominal diagnosis we can find out anything. So either we do neck or we do abdomen. Some patient are responding better in the neck diagnosis, but some other patient are responding better in the abdominal diagnosis. तो जैसे हम किसी की नाड़ी देखते हैं और नाड़ी ऐसे देखते हैं लेकिन उंगलियां उसकी कलाई पर होती हैं, लेकिन हम बोल देते हैं भाई तेरे अंदर कफ बड़ा है, तेरे अंदर पित्त बड़ा है, तेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है, हम सिर्फ नाड़ी के माध्यम से सब कुछ बता देते हैं। उसी तरह से गर्दन की डायग्नोसिस के माध्यम से हम सब कुछ बता देते हैं, और पेट की डायग्नोसिस के माध्यम से भी हम सब कुछ बता देते हैं। अंतर इतना है कि नाड़ी की डायग्नोसिस थोड़ी कठिन है, लेकिन गर्दन की और नेक की डायग्नोसिस बहुत आसान है, बहुत आसान। इट इज समथिंग लाइक पल्स डायग्नोसिस। You are keeping a finger on the pulse and telling the person that you are suffering with this problem. Your this toxin is high, your this dosha is high, and this thing is more, this thing is less, and you are telling this just by touching the pulse. In the same way, when we do the neck diagnosis or when we do the abdominal diagnosis, just by this, we can tell everything that you are having this problem. And this thing we have to do. We don't depends on the patients, we have to do. And some other diagnosis like a chest diagnosis and elbow diagnosis. So we do these all or any one, depends. This is just for the second step. So our second step is most important step,
and the disease. The second step is most important step, because we are working not as per the patient's statement, but we are working as per the diagnosis. और यहां पर हमें वो भी चिंता नहीं करनी होती कि इसका लिवर ची घट गया है, कि स्प्लीन ची घट गया है, किडनी यांग बढ़ गया है, किडनी इन बढ़ गया. नो, जो यहां से पता चलता है बस उसी का पॉइंट लगा देना. व्हाटएवर वी फाइंड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस वी हैव टू पुट द पॉइंट एंड वी कैन सी द रिजल्ट विद इन 30 seconds और 1 minute. वी आर नॉट डिपेंडेड on the kidney, yin deficiency, yang deficiency, qi deficiency. No any types of statement is here. No any types of Chinese diagnosis is required here. Now, third step. The third step is treatment on the level of nervous system. On the level of nervous system. अब हम मैं पहला पॉइंट लगाया, किसी ने बोला सिर में दर्द है, तो पहला तो सिर दर्द का पॉइंट लगा दिया. फिर हमने डायग्नोसिस की और हमें दो पॉइंट और मिल गए, तो हमने वो भी लगा दिए, तो उसका मेरिडियन भी ठीक कर दिया. अब तीसरा और फाइनल पॉइंट लगता है, जिसे हम कहते हैं द पॉइंट ऑफ नर्वस सिस्टम, द सुपर कंट्रोलर, द सुपर कमांड. बिकॉज अल्टीमेटली द फाइनली Everything is under control of the nervous system. तो हमारा जो final point लगता है वो nervous system को लगता है, और इसे हम कहते हैं cranial nerve point. इसे हम कहते हैं cranial nerve point. So we have how to find out the point we will discuss. Now protocol completed. Just do the final treatment. Done. This is a very deeper level treatment. So is tarah se hum decide karte. Kisi ne kaha ki bachche ko mental retardation hai. बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है. द किड्स इज सफरिंग विद द मेंटल रिटार्डेशन. सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी सिम्टोमेटिक पॉइंट. इट इज कॉल्ड बेसिक पॉइंट. The second is called correction of meridian. So it is epsilon point. And third is called on the level of nervous system, on the level of brain or nervous system, it is called cranial nerve point. So the point number 1, 2, and 3, this is the completion of protocol. Whatever the disease is there, we have to follow the 3 steps.
because we are going to stimulate the point with this roller and with this guasa. Even I am doing in my clinic with the help of these two, because for scalp acupuncture it is very good. Roller and guasa. But discuss after learning the basic points.